अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट सो गाइस आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हमारे पास फेस एनाटॉमी पे है सो so आज हम फेस की एनाटॉमी को जो है वो प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में जो जो पॉइंट आप लोगों को फेस के एनाटॉमी से रिलेटेड जिन पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो सारे पॉइंट्स हम लोग फेस एनाटॉमी के लेक्चर्स में कवर करेंगे सो so, कम बैक टू द पॉइंट हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं या वो ऑब्जेक्टिव्स जो आपको फेज इनॉटमी करते वक्त uh, आपको मेमोराइज करनी चाहिए या जिनके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए uh, वो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ठीक है सो so, ये ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप लोगों को फेज की इनोटमी कवर करते वक्त कवर uh, करने चाहिए सो so, पहला हमारे पास है कि हमें फेज का एक्सटेंड पता हो मीन्स के उसकी बाउंड्रीज के कहाँ से वो फेज स्टार्ट होता है और कहाँ पे वो एंड होता है देन हमें फेशियल एक्सप्रेशंस के बारे में पता हो मींस कि वो फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं उनमें कौन कौन से मसल्स यूज होते हैं ठीक है सो फेशियल एक्सप्रेशंस के मसल्स के बारे में हमें फुल इंफॉर्मेशन हो देन कोर्स ऑफ फेशियल आर्टरी का पता हो उसकी ब्रांचेस ठीक है उसकी टर्मिनेशन बिगनिंग कहाँ से वो मीन्स के बिगनिंग्स की कहाँ पर है उसका टर्मिनेट पॉइंट कौन सा है सो पूरा कोर्स का एनासमोसिस वगैरह वो सारी चीज़ें हमें उसकी पता होनी चाहिए देन उसकी नर्व सप्लाई और जो वीनस ड्रेनेज है फेस का उसके बारे में और दूसरा हमें लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द फेस एंड इन सब को इन सब को फिर अप्लाइड नॉटमी किस तरीके से मीन्स के उसकी प्योरी एक अप्लाइड एंड नॉटमी किस तरीके की है वो भी हमारी इन तमाम चीज़ों को कवर करने के बाद ईजिली कवर हो जाएगी सो so, कौन कौन से हमें ऑब्जेक्टिव कवर करने हैं डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ़ फ़ेस मीन्स बेसिकली हमें बाउंड्रीज ऑफ फेस के बारे में पता हो देन

हमें बाउंड्रीज एंड एक्सटेंस आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है देन फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आपको मेमोराइज हो वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं ऑस्पी के, के वक्त आपसे पूछे जा सकते हैं इसके अलावा सिक्वेंस क्वेश्चन में भी एम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है और पूरी फेशियल आर्टरी का को कोर्स आपको पता हो क्योंकि ये ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है इसका पूरा चार ड्रॉ करने के लिए भी सीक्वेंस क्वेश्चन में आ सकता है या फिर कुछ आर्टरीज के ऊपर पॉइंट मार्क करके आपसे पूछा जाए कि कौन सी आर्टरी है सो तो ये सारी चीज़ें आपको पता हो इससे रिलेटेड नर्व सप्लाई का भी आपसे सिक्वेंस क्वेश्चन हो सकता है ठीक है वीनेस ड्रेनेज को ड्रॉ करने का भी आ सकता है या फिर आपसे पूछा जा सकता है बार के में वीनस ड्रेनेज ऑफ फेस आप बताएं इस तरीके से लिम्फ ड्रेनेज ऑफ दी फेस तो ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं तो आपको फेस की नॉटमी कवर करते वक्त सबके बारे में डिटेल से पता हो ठीक है पूरी एक इंफॉर्मेशन हो इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड ठीक है आगे चलते हैं हम बाउंड्रीज मीन्स कि अब हम लोग फेस की बाउंड्रीज या एक्सटेंथ की बात करेंगे सो so, जब हम फेस की बाउंड्रीज या एक्सटेंथ की बात करते हैं ठीक है तो हमें उसकी बाउंड्रीज उस मीन्स के पता होना चाहिए कि सुपीरियरली uh, वो कहाँ से स्टार्ट होता है फिर एंड कहाँ तक तो हो रहा है ठीक है उसकी ईस्ट uh, साइड पे क्या स्ट्रक्चर्स uh, हैं तो वो सारी चीज़ें उसकी बाउंड्रीज में आ जाएंगी सो so, अगर हम लोग फेस की बाउंड्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे क्या है एक्सटेंस सुपीरियरली टू हेयर लाइन इन्फेयरली टू दी चिन एंड बेस ऑफ मैंडिबल ठीक है चिन एंड बेस ऑफ मैंडिबल एंड ऑन ईस्ट साइड टू ऑरिकल मीन्स के सुपीरियरली जो है uh, कहाँ से हेयर लाइन से स्टार्ट हो रहा है इन्फियरली फिर चेन और बेस ऑफ मैंडीबल तक जा रहा है एंड ऑन ईस्ट साइड ऑफ दी ऑरिकल्स ईस्ट साइड पे हमारे पास ऑरिकल्स हैं या फिर एंटीरियर व्यू ऑफ़ एयर है ठीक है तो आप ये बता सकते हैं सो so, अगर आ, हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में बेसिकली पूरी बाउंड्रीज को जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे शो किया गया है ठीक है बताया गया है कि हमारे पास कौन कौन सा एक्सटेंड है या फिर किस तरीके से हमारे पास जो है वो Uh, कौन सा एक्सटेंड है मीन्स के कहाँ से हमारी बाउंड्रीज स्टार्ट हो रही है तो अगर मैं यहाँ पे आपको मार्क uh, करके बल्कि इस पे ना जो हमारी बाउंड्रीज हैं इनको मैं मार्क कर देती हूँ आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी बाउंड्रीज़ है अब ये जो येलो कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है ठीक है ये येलो कलर की जिसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये ठीक है ये येलो कलर की जो लाइन है ये हमारे पास क्या है इसका सुपीरियर बॉर्डर है मेट के ये हमारे पास इसका क्या है ये हमारे पास इसका सुपीरियर बॉर्डर है ठीक है मतलब सुपियरली हमारे पास क्या है एक हेयर लाइन है ठीक है इन्पियरली हमारे पास ये जो लाइंस हैं इंसपियरली ये शो कर रही हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है चिन और और है एंड बेस ऑफ मैंडीबल है सो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेस ऑफ मैडिबल है ठीक है बेस ऑफ मैडिबल हमारे पास है कि ये हमारे पास बेस ऑफ मैंडिबल है ठीक है मैंडीबल तो ये पूरी यहाँ पे शो हो गई है एंड देन यहाँ पर ये वाली जो दो लाइने हैं ये हमारे पास क्या शो करिए इसकी चिन्ह को शो करिए है ठीक है चिन्ह आ गई हमारे पास और ये दो स्ट्रक्चर क्या हैं इसके ये दो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है ये हमारे पास ऑरिकल्स हैं ठीक है ठीके? ये हमारे पास क्या है ऑरिकल्स हैं ठीक है तो ये हमारे पास क्या है सुपीरियर इन्फीरियर और हमारे पास जो है ईस्ट साइड तो हमारे पास ये सारी चीज़ें मतलब ईस्ट साइड पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं उसके बेस पे क्या है उसकी सुपियरली क्या है एंड इनफियरली क्या है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर रही हैं ठीक है थीके? मैं अब इसको इरेज कर देती हूँ तो ये हमारे पास पूरी प्रॉपर डायग्राम आपको पता चल गई है किस तरीके से हम लोगों ने शो किया किस तरीके से उन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने जो है वो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ थी कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आ रही थी वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस की तो ये उसका बेसिकली कौन सा व्यू था ये सुपियरली हेयरलाइन थी ठीक है इनफियरली हमारे पास क्या था मैंडीबुल्स हैं बेस ऑफ मैंडीबल है और क्या है हमारे पास चिन है और हमारे पास इसके साइड्स में हमारे पास ये क्या है इसके ऑरिकल हैं, सो ईस्ट साइड पे हमारे पास ऑरिकल्स हैं ठीक है सो so ये सारी हमारे पास क्या है बाउंड्रीज ऑफ दी हमें क्या मिल गई है ये हमारे पास क्या हो गई है बाउंड्रीज ऑफ द फेस ठीक है उसके अलावा फोरहेड इज कॉमन टू बोथ एंड फेज अच्छा फोर जो है वो कॉमन है दोनों में फेस एंड स्कैल्प में तो ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो हमारे पास ये फोर है ये फोर का पोर्शन है तो ये फोर जो होता है ये हम लोग स्कैल्प में भी पढ़ते हैं और ये कॉमन होता है किसमें फेज में भी ठीक है so, सो ये फोर जो है वो हमारे पास कॉमनली होता है सो so, आप प्रॉपर्ली आपको पता चल गया है कि हमारे पास फोर कॉमन होता है दोनों में और बाउंड्रीज़ कौन सी हैं हमारे पास फेस की सुपियरली क्या होती है हेयर लाइन इन्फियरली हमारे पास चिन होती है एंड बेस ऑफ देंडिबल एंड ऑन ईस्ट साइड पर हमारे पास ऑरिकल्स होते हैं या फिर एंटीअर व्यू ऑफ एयर कह सकते हैं फॉरड जो है वो दोनों में हमारे पास क्या होता है कॉमन होता है तो ये हमारे पास इसकी पूरी डायग्राम को मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया ठीक है तो ये जो डायग्राम यहाँ पे दी गई वो सारी आपकी कवर हो गई देन आगे चलते हैं अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं अब आगे अगर हम लोग चलते हैं तो आगे हमारे पास क्या है Uh, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अनोटमी फेस की अनोटमी करते वक्त आपको पता होने चाहिए सो so, पहला क्या है वेरी वस्कुलर मीन्स के फेस जो है वो बहुत ज़्यादा वस्कुलर होता है ठीक है इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से बहुत वस्कुलर है ड्यू टू रिच वस्कुलरिटी फेस ब्लश एंड ब्लंच अच्छा इस वस्कुलरिटी की वजह से फेस जो है वो ब्लश करता है ठीक है ब्लश क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड होता है फेशियल स्किन इज रिच इन सबिशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड फेशियल स्किन जो होती है हमारी फेस की वहाँ पे फेशियल हमारे पास जो है वो सबिशियस एंड स्वेट ग्लैंड बहुत पाए जाते हैं सो सबिशियस एंड स्वेट ग्लैंड की वजह से क्या होता है कि एक्नी वगैरह होती है तो आगे चल के पॉइंट डिस्कस करते हैं तो पहला क्या है बहुत ज़्यादा वस्कुलर होता है हमारा ब्लड हमारा फ़ेस क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड पाया जाता है देन दूसरा पॉइंट है कि ये इसी वजह से वस्कुलरिटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्लश एंड ब्लश एंड ब्लंच करता है फेशियल स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है सबिशस एंड ग्लैंड में वाउंड ऑफ वाउंड ऑफ फेस ब्लीड प्रोफ्यूजली बट हील रैपिडली जो हमारे पास वाउंड होते हैं फेस के वो ब्लीड करते हैं प्रोफ्यूजली बट हील रैपिडली मीन्स के कोई भी जख्म होता है या फिर कोई भी चोट लगती है हमारे फेस पे कोई भी इंजरी होती है तो उस वक्त ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है लेकिन जितनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उतना ही ज़्यादा क्या होता है हमारे पास वो जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं मीन्स के हील हो जाते हैं वो सारे जख्म उतनी ही जल्दी सबिशियस ग्लैंड कीप द स्किन ऑयली बट ऑल्सो कॉज एक्नी इन एडल्ट सिबिशियस ग्लैंड जो है वो हमारी स्किन को ऑयली तो रखते हैं लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होते हैं तो इस वजह से हमारी स्किन जो है उसके ऊपर एक्नी की प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है सो इसी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन पे एक्नी की प्रॉब्लम होती है ठीक है तो ये कुछ पॉइंट थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए आगे चलते हैं यहाँ पे कार्ड मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन एंड लाइ इन दी सुपरफिशियल फेशिया इट्स मीन्स के जो मसल होते हैं हमारे फेस पे उन्हें मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं ठीक है जो कि हमारे फेस के एक्सप्रेशन में मसल्स यूज होते हैं और ये सुपरफिशियल फेशिया के ऊपर लाइक करते हैं ठीक है तो मींस के हमारे फेस के जो भी मसल्स हैं उन मसल्स को हम लोग फेशियल मसल्स कहेंगे जो कि एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं एम्ब्रोलॉजिकली दे डेवलप्ड फ्रॉम मीजोडर्म ऑफ सेकेंड ब्रेंकियल आर्ट दे आर फॉर सप्लाइड बाय फेशियल नाब ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए आगे भी हाँ डिस्कस होगा लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्ब्रोलॉजिकली ये सब मसल्स जो हैं वो सेकेंड ब्रंचल आर्ट से डेवलप होते हैं और इसी वजह से इन सब को कौन सप्लाई uh, करता है फेशियल नर्व सप्लाई करती है ठीक है सो so, ये हमारे पास मेन uh, है पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए नो डी फेशिया इज प्रेजेंट इन द फेस फेस पे कोई डी फेशिया प्रेजेंट नहीं होता एक्सेप्ट दो पोर्शन है जहां के ऊपर फेशिया पाया जाता है वो आगे चल के डिस्कस करते हैं डी फेशिया एंड सुपरफिशियल फेशिया को सो so, इस स्लाइड में ये आपको पता हो कि जो हमारे पास फेस के मसल्स हैं उनको बेसिकली मसल ऑफ एक्सप्रेशन या फेशियल एक्सप्रेशन

ये पॉइंट्स भी प्रॉपरली समझ में आ गए और उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट का पॉइंट है वो भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया अब आगे चलते हैं देन हमारे पास कुछ और मेन पॉइंट्स हैं लाइक लेगजिटी ऑफ फेशियल स्किन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एडिमा ऑन फेस बेसिकली हमारे जो मसल्स हैं फेस के ऊपर बहुत सारा मसल्स पाए जाते हैं जो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे उन मसल्स की वजह से हमारा जो फेस है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है उसमें बहुत ज्यादा सिटी होती है और वही इलास्टिसिटी फेस में जो है वो एडिमा कॉज करवाती है ठीक है so, सो उस इलास्टिसिटी की वजह से हमारी फेस के ऊपर एडिमा होने के चांसेस होते हैं ठीक है तो ये पॉइंट क्लियर हो गया बॉयल्स ऑन दी नोज एंड एयर आर पेनफुल ड्यू टू दी फिक्सिटी ऑफ स्किन टू अंडरलाइन कार्टलेटेड अच्छा सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे नोज़ या फिर कान पे या एयर एंड नोज पे हमारे मीन्स के हमारे कान और नाक की जो स्किन है उसके ऊपर अगर छाले होते हैं ठीक है थीके? तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं उसका रीज़न ये है कि हमारे नोज़ एंड एयर की जो स्किन होती है वो आ, जो है वो फिमली स्ट्रॉगली फ्रेम होती है अंडरलाइन काट के साथ जिसकी वजह से अगर कोई भी छाला नाक पे होता है या फिर कान की स्किन पे होता है तो वहाँ पे वो छाले बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं देन है द वाउंड ऑफ स्किन टेंट टू गैप ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ अंडरलाइन मसल्स अच्छा जो हमारे वाउंड्स हैं स्किन के वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई भी जख्म होता है या फिर स्किन कहीं से भी कट जाती है सो so, उनको स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी होता है क्यों क्योंकि अंडरलाइन मसल्स की वजह से जो अटैचमेंट होती है तो उसकी वजह से गैप आ जाता है उन बाउंड्स में सो so, उनको स्ट्रेच करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है इज फेशियांट फ्रॉम दी फेस एक्सेप्ट टू लोकेशन के ऊपर नहीं होता ठीक है लेकिन हाँ दो जगह पे होता है पेरोटेड फेशिया एंड मीन्स की पेरोटेड ग्लैंड पे जो कि पेरोटेड फेशिया होता है और बक्सीनेटर मसल जो हम लोग डिस्कस करेंगे फेस के मसल्स में वहां पर बक्ोफेरेंजल फेशिया होता है ठीक है सो so, ये पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया क्लियर हो गया सो डीप फेशिया से रिलेटेड ये पॉइंट है आगे चलते हैं सो आगे है सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया सुपरफिशियल फेशिया क्या है इट कंटेन्स द फेशियल मसल्स ऑल ऑफ विच आर इंसर्टेड इन टू स्किन, वेसल्स एंड नर्व्स टू द मसल्स एंड टू द स्किन अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट सो सुपरफिशियल फेशिया जिसके ऊपर हमारे पास मसल्स ऑफ फेस लाइक कर रहे हैं उसके तीन मेन कंटेंट्स हैं कौन कौन से द फेशियल मसल्स ठीक है ऑफ ऑफकोर्स क्योंकि फेस के मसल लाहे सुपरफिशियल फेशिया पे करते हैं तो पहला कंटेंट है उसका द फेशियल मसल जो कि इंसर्ट कहां पे होते हैं स्किन पे द वेसल्स एंड नर्व्स फेस की जो भी वेसल्स एंड नर्व्स हैं जो कि स्किन और फेस ऑफ मसल्स को सप्लाई करती हैं वो उसके अलावा फैट वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट हमारे फेस पाया जाता है तो वो भी किसका कंटेंट है सुपरफिशियल फेशिया का सो so, आगे चलते हैं फैट इज़ एबसेंट फ्रॉम द आईलिट्स बट इज वेल डिवलप इन दी चिक्स फॉर्मिंग द बकल पैड्स दैट आर वेरी प्रोमिनेंट इन इन्फेंट्स इन होम दे हेल्प इन सकिंग एक्चुअली यहाँ पे जो पॉइंट दिया है कि वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट मीन्स के, के आ, हमारे फेस पे जो है वो वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पाया जाता है ठीक है आईलिट्स के ऊपर बिल्कुल फैट नहीं होता लेकिन हमारे जो चिक्स हैं वहाँ पे फैट पाया जाता है और बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं ठीक है शीर खोर बच्चे होते हैं उनके अंदर जो उनके चिक्स पे बहुत हाई अमाउंट में फैट पाया जाता है क्यों क्योंकि वो फैट उनके सकिंग मतलब जब भी वो फीड के वक्त सकिंग का जो प्रोसेस है वो इन चिक्स की वजह से हेल्पफुल होता है मीन्स कि इन चिक्स में जो फैट होता है वो उनको हेल्प करता है सकिंग के प्रोसेस में सो so, उनमें उनके चिक्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट पाया जाता है डी में क्या है तो डी फेशिया एबसेंट फ्राम दी फेस जो हमने डिस्कस कर लिया कि डी फेशिया एबसेंट होता है फेज में एक्सेप्ट ओवर दी फेशिया ओवर दी बक्सिनेटर वेयर इट्स फॉर्म दको फेरेंजर फेशिया सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है पेरोटेड फेशिया एंड हमारे पास बक्ो फेरेंजर फेशिया मीन्स बक्सीनेटेड मसल एंड पेरोटेड ग्लैंड के ऊपर होता है सो so, यहाँ तक हमारे पास क्या कवर हो गया सुपरफिशियल फेशिया एंड डी फेशिया जो आपसे पूछेंगे आपसे पूछा जाता है आपको पता हो सुपरफिशियल फेशिया के कौन से कंटेंट है और डी फेशिया कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के ऊपर पाया जाता है ठीक है मीन्स के फेस पर डी फेशिया नहीं होता लेकिन कौन से ऐसे दो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे डी फेशिया होता है वो आपसे पूछेंगे तो यहाँ पे ये यह क्या हो गया हमारे पास क्लियर हो गया तो so गाइज़ अब हम सुपरफिशियल फेशिया एंड डी फेशिया तक जो है वो कवर कर चुके हैं सो uh, so, आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है uh, फिर आगे जो लेक्चर्स होंगे जो फर, उसमें हम लोग फर्दर ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे एक जर्नल रिव्यू दे देते हैं कि हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या क्या कवर किया बेसिकली uh, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है जो uh, जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनमें सबसे पहले हमने बाउंड्रीज डिस्कस किए हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए ठीक है बाउंड्रीज़ के बाद हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स हैं लाइक वस्क्री से रिलेटेड और बाउंड से रिलेटेड जो भी उसके जख्म है या फिर वस्कुलर सप्लाई जो है और स्किन की इंजरीज़ वगैरह से रिलेटेड पॉइंट डिस्कस किए सबिशियस ग्लैंड से रिलेटेड डिस्कस किए पॉइंट उसके अलावा एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉइंट डिस्कस किया देन उसकी जो एडिमा एंड जो बॉयल होते हैं हमारे नोज एंड ईयर पे और बाउंड होते हैं डी फेशिया होता है उसको डिस्कस किया देन उसके बाद हम लोगों ने सुपरफिशियल फेशिया एंड डी फेशिया को कवर किया है तो आज के जो लेक्चर्स के मेन पॉइंट्स थे उनको अच्छे से देख लीजिएगा ठीक है अब जो फर्दर लेक्चर्स हैं लाइक लेक्चर नंबर टू जो होगा वो उस पर हमारे पास फेस के मसल्स को डिस्कस करेंगे सो so, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है उसे मिस मत कीजिएगा क्योंकि आपसे वाइवा में ऑस्पि है मसल्स ऑफ फ़ेस पूछे जाते हैं और अलग अलग उनकी जो एक्सप्रेशन हैं उनमें कौन कौन से मसल्स यूज़ होते हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में पूछा जाता है सो डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास मसल्स ऑफ द फेस को डिटेल जो है डिस्कस किया जाएगा so, सो दैट अगर लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग जो है वो कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगी सो so, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें सो uh, so, इस तरीके से आज मैं आप लोगों को अलाफिज